अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये बिलाल भाई हैं, उमान में होते हैं, और इनकी सुनते हैं कि ये उमान के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद जो है फिर बाकी की मैं बात करता हूँ। एरिया में प्रॉपर्टी है 1.5 करोड़ रुपए की, उसका रेंट मिलता है कितना? 40,000 रुपए। यहाँ पर जो है वो 3,000 की गाड़ी ली, 3,000 बनते हैं अप्रोक्सीमेट आपके कहीं जाके समझ लो कि 20 लाख रुपए के करीब, तकरीबन 22 लाख रुपए बनते हैं। 22 लाख रुपए पे इनकम कितनी आ रही है? 135 रियाल उमानी। 135 रियाल उमानी का क्या मतलब है कि तकरीबन 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है कितने पे? सिर्फ 20 से 21 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। तो 1.5 करोड़ के अंदर तकरीबन समझ लो कि आपकी कोई 6, 6.5, 7 गाड़ियां आ जाएंगी। तकरीबन 7 गाड़ी पे 7 लाख रुपए आप कमा सकते हो ओमान के अंदर, जो सेम कमाई पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ रुपए में सिर्फ 40,000 रुपए हो रही है, यहाँ पर उसी पैसे से 7 लाख रुपए कमा सकते हो। तो ये है फर्क। इसीलिए अब ये बिलाल भाई ने कहा है कि उमान आए और 3,000 की इन्वेस्टमेंट करें और 1 लाख रुपया कमाएं। तो बिलाल भाई, आपने माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, ठीक है, और मज़हबी आप बंदे हैं, कम से कम आप कोई चीज़ अगर किसी को बता रहे हैं तो उसको चीज़ को प्रॉपर गाइड करें, ठीक है। आधा सच ना बताएं किसी को भी, आपकी मेहरबानी है, ठीक है। जो बंदा ओमान आ रहा है वो क्या मुफ्त में ओमान आ जाएगा? ओमान आएगा, उसका वीज़ा नहीं लगेगा, उसकी टिकट नहीं लगेगी, पहली चीज़। फिर यहाँ पे आके रहेगा, उसकी रिहाइश का खर्चा नहीं होना, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ उसने क्या मुंह उठा के, आप क्या क्या ख्याल है, वो एवं गाड़ी रेंट पे दे देगा, ठीक है। उसकी गाड़ी चोरी हो जाए या कोई मसला हो जाए, वो उधर नहीं जाएगा, मिनिस्ट्री में नहीं जाएगा। यहाँ पे उसने बिजनेस रजिस्टर्ड कराने, उसके पैसे नहीं लगने। यहाँ पे जहाँ पे उसने रेंट का कारोबार शुरू करना है, उसके पैसे नहीं लगने, कफील के पैसे नहीं लगने। फिर कल को कफील तंग करता है या कोई मसला होता है, उस चीज़ के पैसे नहीं लगने। और ये कहाँ की गारंटी है आपकी कि 3,000 रुपये में आप गाड़ी रेंट पे देंगे और आपको 1 लाख रुपया आ जाएगा? मैं आपको देता हूँ, ठीक है, गाड़ी 3,000 रुपये की, आप महीना 1 लाख रुपया मेरे साथ डन करते हैं। जो आप पब्लिक को बेवकूफ़ और फुद्दू बना रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह हो गया और इस तरह हो गया, भाईजान सारी चीज़ें कम से कम खोल के बताएं कि बाकी के लवाजमात भी करने पड़ते हैं। आपने तो कहा कि बाजार से मुर्गी लेके आओ और उसका बड़ा मज़ेदार सालन बन जाएगा, ये नहीं बताया कि वो जो मुर्गी है उसको गलाने के लिए टाइम भी लगेगा, उसके लिए वो भी चाहिए, फ्राई पान भी चाहिए, उसके लिए चम्मच भी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर लहसुन अदरक प्याज भी डालना है, फिर वेट भी करना है, ठीक है, फिर उसको जिस पे बनाना है चूल्हा भी चाहिए, चूल्हे के लिए गैस भी चाहिए, गैस के लिए सिलेंडर भी चाहिए। ये चीज़ें तो आपने बताई नहीं, ठीक है, और आपने डायरेक्ट कह दिया जी मुर्गी ले गया और बड़ा मज़ेदार बिरयानी बन जाएगी। क्या कर रहे हैं मौलवी साहब, कम से कम सच तो पूरा बोलें, कुछ शर्म करें, कुछ हया करें।